आई एम हेमंत, वेलकम टू माई चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड होते क्या हैं आपके। आज जो बात करेंगे बेटा हम, वो बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड हो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मींस क्या है इसका बेटा, कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके हार्ड नेचर के होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं। हार्ड नेचर के हैं और ब्रिटल नेचर के हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास आयनिक कंपाउंड का NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका, जो नमक होता है आपका टाटा नमक, देश का नमक, तो वो आपका क्या है, NaCl जो आप नॉर्मली देखते हो घर पे भी, वो हार्ड और ब्रिटल नेचर का है। हार्ड और ब्रिटल नेचर का क्यों है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं, कैटाइन है ये और ये आपका एनायन है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैटाइन, और इसको क्या बोलते हैं, एनायन। इन दोनों के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स है और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हाई है, जिसके कारण ये एक रेगुलर जियोमेट्री को फॉलो करता है और यहाँ पे क्रिस्टलाइन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बनाता है, क्रिस्टल सिस्टम भी फॉर्मेशन करता है। जैसे आपका यहाँ पे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोम्बिक है, ट्राइक्लिनिक है, इस तरह से ये क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। रेगुलर जो फॉर्मेशन, रेगुलर रिपीटेशन जो आयंस का है, उसके कारण जो है वो आपके क्या बनते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। अपना जो पॉइंट है वो क्या है कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब माइंड में आपके किसी के आ रहा होगा कि सर क्रिस्टल सिस्टम क्या है। बेटा क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली, जैसे सपोज कीजिए, मैं एक समझाता हूँ कि सपोज कीजिए मेरे पास एक क्यूब है। ये क्यूब एक्चुअल में बना कैसे, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपका ये कैटाइन है, ये एनायन है, यहाँ पे आपका ये कैटाइन है और ये आपका एनायन है, तो यहाँ पे एक रिपीटेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जो रिपीटेशन के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है 3D, उस 3D स्ट्रक्चर को हमने देखा। अगर ये 3D स्ट्रक्चर क्यूबिक बनता है तो हम बोल देते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है आपका। अगर यही स्ट्रक्चर सपोज कीजिए कुछ ऐसा बने, हेक्सागोनल टाइप का बने, कि रिपीटेशन ऐसा हो आयंस का कि वो जो स्ट्रक्चर दे वो कैसा दे, हेक्सागोनल लाइक का स्ट्रक्चर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो कि हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। होते क्या हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण ये आपके क्रिस्टल सिस्टम भी बनाते हैं। और क्रिस्टल सिस्टम होते कितने बेटा आपके, 7 होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि एक पर्टिकुलर रेगुलर जो रिपीटेशन के कारण ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना हेडिंग होगी आपकी क्या, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें लिखना बेटा, इसमें लिख दो, इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड आयंस आर रिपीटेड, आयंस आर रिपीटेड इन रेगुलर इंटरवल, इन रेगुलर इंटरवल एंड फॉर्म क्रिस्टलाइन सिस्टम, एंड फॉर्म क्रिस्टलाइन सिस्टम एंड दीज क्रिस्टलाइन सिस्टम एंड दीज क्रिस्टलाइन सिस्टम एंड दीज क्रिस्टलाइन सिस्टम आर स्ट्रोंगर इन नेचर, आर
stronger in nature are stronger in nature due to presence of strong attraction force नेक्स्ट लाइन से लिख देना, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, एक स्टार करके बात लिख देना बेटा, देयर आर सेवन क्यूबिक सिस्टम, ठीक है ना, सेवन क्यूबिक सिस्टम आपके, फॉर एग्जाम्पल लिख दो आपके क्यूबिक, कोमा कर दो हेक्सागोनल, कोम्बो कोमा रोम्बोहेड्रल, कोमा ऑर्थोम्बिक, कोमा टेट्रागोनल, कोमा करके ट्राइक्लिनिक ईटीसी कर दो। बस आपको ये ध्यान में रखना कि जो आपके क्यूबिक सिस्टम बेटा वो सेवन होते हैं, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम का जो टॉपिक है वो आपका ट्वेल्थ क्लास में होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एक पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट के बाद ये जो आयनिक कंपाउंड है वो आपके क्रिस्टल सिस्टम को बनाते हैं। जो एक 3D सिस्टम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम आपके कितने होते हैं, सेवन होते हैं बस, ठीक है ना। उतार लो इसको डायग्राम को जल्दी बेटा। सेकंड आपका जो प्रॉपर्टी है वो है आयनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आयनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहाँ पे ये जो आपका आयन्स बेटा, ये कैटायन है और ये एनायन है, इसके बीच में जो फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है आपका। ये अट्रैक्शन फोर्स ही क्या आपका आयनिक बॉन्ड है। ये अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, स्ट्रोंगर है। स्ट्रोंगर होने के कारण हमें यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ज़्यादा देंगे तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है आपका। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास नमक है, मतलब NaCl है, और उसको आपने क्या किया, हीट किया, और हीट करोगे तो यहाँ पे जो आपके नमक के बीच में जो आपके बॉन्ड है वो कुछ ऐसा है Na प्लस और ये Cl माइनस, तो इसके बीच में जो हम हीट देंगे, ये जो हीट दे रहे हैं बर्नर के द्वारा, ये हीट क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, बिल्कुल जो हीट होगा आपका वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे ये जो हीट है वो आपकी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रही है, तभी हम कहते हैं कि इस NaCl है जो भी आपका आयनिक कंपाउंड है उसको मेल्ट होने के लिए क्या लग रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो आयंस है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, हाइयर है, स्ट्रोंगर है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो इसमें क्या लिख दो बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, आयनिक कंपाउंड आर हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि why आयनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। बस आपको इतना ही लिखना है, ये लिख दो। देखिए बेटा, थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर
सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, मतलब आयनिक कंपाउंड जो हैं वो आपके पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आपके पास गिलास है, गर्मी में आप देखते हो गिलास जो है उसके अंदर आपने आपके पास पानी है, ये है वाटर, वाटर क्या आपका पोलर सोलवेंट है, ठीक है बेटा, पोलर सोलवेंट है आपका। पोलर मतलब उसमें यहाँ पे चार्ज है उसके ऊपर, ये ध्यान रखना आपको। एक्चुअल में जो पोलर है वो एक प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट, वो आपकी सिलेबस में है नहीं। डाइपोल मोमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि कोई सोलवेंट आपका पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर जो हो आपका पोलर सोलवेंट है, आपका इथेनॉल दारू है वो भी आपकी पोलर है, ठीक है ना, बस ये आपको ध्यान में रखनी इतनी बात। तो पोलर सोलवेंट जो है वो आपका, यहाँ पे वाटर ले लिया मैंने और इसके अंदर मैंने सपोज़ कीजिए नमक डाल दिया NaCl, और आप उसको जैसे स्टिर करते हो, डिजोल्व करते हो, घुमाते हो उसको, तो आपको पता है वो आपका क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, ये आपका वाटर है और इसके अंदर NaCl के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। इस क्राइटेरिया को समझाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, देखिए पहला जो मेरा मुद्दा है यहाँ पे क्या है कि लाइक डिजोल्व लाइक, इसको दो एंगल से हम समझ सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, इसका कहने का अर्थ क्या है कि कोई सब्सटेंस अगर पोलर है, अगर कोई सब्सटेंस पोलर है और सोलवेंट भी आपका क्या है पोलर है, तो वो डिजोल्व होगा या नहीं होगा, वो आपका डिजोल्व होगा, राइट का निशान क्या आपका डिजोल्व हो रहा है। अगर आपका सब्सटेंस जो है वो आपका पोलर है पर सोलवेंट आपका नॉन पोलर है, तो वो डिजोल्व नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नेचर क्या होगी दोनों की चेंज होगी। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो भी आपका क्या होगा डिजोल्व नहीं होगा। और फोर्थ आपकी कौन सी होगी, नॉन पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है, तो ये डिजोल्व होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर दोनों की नेचर सेम है, दोनों ही पोलर हैं आपके, तो डिजोल्व होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे कि वाटर भी आपका क्या पोलर है और NaCl भी कैसा आपका पोलर है, दोनों ही क्या आपके पोलर है, तो वो आपके क्या हो गया डिजोल्व हो गया इसके अंदर जाके। ये आपका वाटर है और जो मैंने ये सर्किल से बनाए छोटे छोटे डॉट करके, ये आपका NaCl है। तो यहाँ पे एक समझाने की बात ये कह सकते हैं कि हम कि जो आयनिक कंपाउंड है आर आल्सो पोलर एंड सोलवेंट इज आल्सो पोलर, सो दे डिजोल्व इन इट, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब ये जो डिजोल्व हुए हैं, ठीक है, अब ये डिजोल्व जो हुए हैं, डिजोल्व होने के बाद होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका आयंस है NaCl था जो यहाँ पे पहले आपके पास है। अब ये NaCl जो हुआ आपका Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, पानी क्या करता है इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, क्या कर देता है बेटा, ब्रेक कर देता है। कोई भी चीज़ अगर डिजोल्व होगी तो इसका मतलब वहाँ पे जो आयंस है उसके बीच के बॉन्ड क्या हुए, टूटे हैं, ब्रेक हुए हैं, तभी वो उसके अंदर क्या हुई डिजोल्व हुई है। अगर वे बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो वो डिजोल्व नहीं होगा, उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। पानी ने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और उनको क्या कर दिया Na प्लस और Cl माइनस के अंदर सेपरेट कर दिया। अब अपने पास जो पानी है वाटर है, वाटर क्या होता है O H और H, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है,
और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस स्ट्रक्चर को हम ये दिखा देते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का और ये आपका नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाला मतलब का क्या है, यहाँ पे इस साइड ऑक्सीजन है और इस साइड क्या आपके हाइड्रोजन है। अब जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो ये Na प्लस जो है इसको सराउंड कौन से कर लेंगे, Na प्लस को कौन सा आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स इसको क्या करेगा, सराउंड करेगा, पॉजिटिव वाला तो करेगा नहीं क्योंकि फिजिक्स कहती है कि लाइक चार्ज रिपेल टू इच अदर, अगर दोनों चार्ज सेम होंगे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाले जुड़ेंगे। इसके सराउंडिंग में कौन सी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। Cl के केस में क्या होगा, ये आपका Cl है, Cl के केस में उल्टा हो जाएगा, Cl नेगेटिव है तो इस साइड कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब अब डिजोल्व हुआ है, अगर हम दिखाते हैं ये डिजोल्व हो गया, एक्चुअल में पानी ने उसके सराउंड में क्या कर लिया, अपना लेयर बना ली, वाटर ने उस आयंस के सराउंड में क्या कर लिया, लेयर बना ली। इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वेशन, ये जो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में जो लेयर बनाई है उसको बोलते हैं सोल्वेशन, क्या बोलते बेटा, सोल्वेशन। अब यहाँ पे जो सोल्वेशन है, अगर वाटर आपने यूज किया है, मतलब यहाँ पे किसके अंदर डाला आपने NaCl, वाटर के अंदर, अगर सोलवेंट आपका वाटर हो तो ये सोल्वेशन जो प्रोसेस होगा, इस सोल्वेशन प्रोसेस का नाम हाइड्रेशन हो जाएगा, उस सोल्वेशन प्रोसेस का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रेशन हो जाएगा। मतलब वाटर लिया आपने, क्योंकि पर्टिकुलर वाटर के लिए जो टर्म यूज होती है वो हाइड्रेशन यूज होती है, ठीक है ना, बात समझ आई मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ देखो दोबारा समझिए, एक बीकर आपने पास, उसके अंदर पानी डाल दिया और नमक डाल दिया, नॉर्मली आप घर पे देखते हो चम्मच से मिलाओगे तो मिल जाएगा, मिल गया कोई दिक्कत नहीं, और वो मिला क्यों है, वो कैसे मिला कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती है वो लाइक डिजोल लाइक की लगती है, नमक भी पोलर है वाटर भी पोलर है, वो डिजोल हो गया, मतलब दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए, डिजोल हो जाएगी, अगर अलग कर दी, जैसे एक आपका पोलर हो एक नॉन पोलर तो डिजोल नहीं होगा, वो आपका डिजोल नहीं होगा। तो ये आपका NaCl है, NaCl क्या हुआ, वाटर के अंदर जैसे ही डाला तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गई, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अब वो आयंस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, वाटर ने क्या किया, इस आयंस की सराउंडिंग में क्या कर लिए, लेयर बना ली, लेयर जैसे बना ली तो वो अब क्या होगी, अब डिजोल्व हुआ है, मतलब ये हम कहते हैं कि यहाँ पे आयंस वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए, तो ये आपका जो प्रोसेस वो क्या है, आपका सोल्वेशन प्रोसेस है। और अगर सोलवेंट हम यूज़ करते हैं वाटर तो उस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं, तो उस सोल्वेशन जो प्रोसेस है उसको पर्टिकुलर हम हाइड्रेशन बोल देते हैं, ठीक है, तो इसमें बातें लिख दो फटाफट, इसमें फटाफट बातें लिखना बेटा, इसमें लिखो व्हेन आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट then they are dissolved in it because polar solvent dissociate the ionic compound into ion so
these ions are dissolve in it. अब लिखो हेडिंग सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन पूछेगा. सॉल्यूशन में लिखना बेटा द इंट्रैक्शन बिटवीन सोलवेंट मोलिक्यूल कोई भी हो सकता है सोलवेंट. द इंट्रैक्शन बिटवीन सोलवेंट मोलिक्यूल विद सोल्यूट दिस प्रोसेस इज नोन एज सोल्वेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सोल्वेशन. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना हाइड्रेशन. इसमें लिखना ड्यूरिंग सोल्वेशन इफ वी टेक वाटर एज ए सोलवेंट then this process is known as hydration. ठीक है अब ये उतार दो फटाफट करके. ये तो पहला तरीका था कि डिजोल्व वाला. इसी को क्या बोल देते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में भी समझाते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. पहला तरीका आपको सीधा सी बात ये लिखना है कि लाइक डिजोल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट लग गया. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा आपका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में है. पहला कॉन्सेप्ट किसके रिस्पेक्ट में था लाइक डिजोल्व लाइक के. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या है. देखिए वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो हाई होता है, जिसके कारण ये आयंस को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है. जो उसके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसी को ब्रेक कर देता है. बस कॉन्सेप्ट देखो वही लगेगा पर उसको क्या है कि थोड़ा सा हाईलाइट और थोड़ा सा एडवांस टर्मिनोलॉजी यूज़ करके उसको एक्सप्लेन किया है. वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होता है जिसके कारण वो आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ देता है और आयन सेपरेट हो जाते हैं और जिसके कारण वाटर उसके सराउंडिंग में लेयर बना लेता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वेशन. तो यहाँ पे आपका आपके पास सपोज कीजिए अगर ये कह दे कि एक सब्सटेंस है ए और ये जो सोल्यूट है आपका सपोज कीजिए ए आपका सोल्यूट है और सोल्यूट है कोई आपका एक्स मान लेते हैं और आपके पास सोल्वेंट है ए बी सी और डी. ठीक है और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है उसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं. आप इसको डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लिख दो कोई दिक्कत की बात नहीं है. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इसमें सपोज कीजिए 5 है, इसमें 10 है, इसमें 15 है और इसमें यहाँ पे 7 है. अब ये कह देगा कि ये सोल्यूट जो है वो कौन से सोलवेंट के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगा. जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा उसी के अंदर ये सोल्यूट मोर अमाउंट में क्या होगा डिजोल्व होगा. तो इसका मतलब सी आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा. आ रही बात समझे. तो आप एक बार लिख दीजिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या है. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है क्या है बेटा ये एक्चुअल में आप 12th क्लास में वैसे देखते हो आप. होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक इंसुलेटर प्रॉपर्टी होती है आपकी. बस उसमें आप यही ध्यान रखो बस आपको वर्ड ये जो यूज़ करना है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ठीक है तो इसमें लिखना बेटा वाटर हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ये आपका एक्सप्लेनेशन सेकंड है. आप दोनों ही एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हो, मीनिंग दोनों का एक ही निकलेगा. वाटर हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू ड्यू टू विच इट कैन डिसोसिएट आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस
into ions, and these ions are dissolved, and these ions are dissolved in water. Dissolve in water. ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक बार इसको उतारू फटाफट। ये आपका क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोलवेंट, ये आपके सोलवेंट है, के आई आपका सोल्यूट है, वाज हाईएस्ट सोल्यूबल, किस में हाईएस्ट सोल्यूबल होगा, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू, इन सोलवेंट की वैल्यू है, बेंजीन है उसकी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो है, एसीटोन की जो वैल्यू है वो 21 है, 21 है, और CH3OH इसकी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 32 है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या बेटा, मिथेनॉल। आप नहीं सुनते, जहरीले दारू के कारण अड़ुका में 15 लोगों की मौत हुई, तो आप ऐसे नहीं सुनते। तो ये आपका जहरीली जो दारू होती है, शराब होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, CH3OH होता है, और ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है जीरो। आपको ये बताना है कि किस सोलवेंट में आपका KI मोर सोल्यूबल होगा, आपको सिर्फ कमेंट में ये लिखना है ABC, बस ABCD जो भी आपका आंसर है वो लिख देना, और हो सके तो आप जो भी लिखो तो उसके आगे नाम भी लिख देना, थोड़ा सा मेरे को पता चल जाए हाँ भाई कि ये आपका सोलवेंट था, ठीक है ना। सपोज कीजिए अगर B आंसर है तो B और एसीटोन, ठीक है बेटा। तीन प्रॉपर्टी आपकी होगी आयनिक कंपाउंड की, पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा आपकी, आयनिक कंपाउंड हैविंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी को क्या थी, आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। लास्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड की, जो कि आपकी क्या है, आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, सीधी सी बात है भाई, सपोज कीजिए आपके पास ये पानी है, ठीक है, और पानी में आपने सपोज कीजिए यहाँ पे एक सिंपल पानी ले लिया, एक नॉर्मल वाटर आपके पास, और एक आपके पास जो है H2O और प्लस में NaCl है, यहाँ पे आपके पास रोड है, और यहाँ पे आपके पास आप क्या देखते हो कि नॉर्मल जो वाटर होती है उसमें जो कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, जो एमीटर वोल्टामीटर जो लगाते हो उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो कम आती है, उसकी जो सुई है वो कम हिलती है, जबकि जब NaCl और H2O है तो उसमें आपकी जो वाटर में कंडक्टिविटी वैल्यू है वो आपकी क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है वाटर के अंदर NaCl डाल दिया, और NaCl जो है वो वाटर के अंदर Na+ और Cl- में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गए, चार्ज, मतलब चार्ज कैरियर मिल गए। देखिए जो करंट को फ्लो करने के लिए जो चार्ज कैरियर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, करंट को फ्लो कराने के लिए जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके तीन टाइप के होते हैं चार्ज कैरियर। सॉलिड में होता आपका कौन सा बेटा, सॉलिड में तो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कॉपर की वायर आपके घरों में जो फिटिंग होती है उसमें सॉलिड वायर है, उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपके होते हैं आयंस, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, चिप नहीं होती, छोटी छोटी चिप्स होती हैं आपकी कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, उसमें होते हैं होल्स। तो ये तीन चार्ज कैरियर हैं आपके, एक तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन में आयंस, और सेमीकंडक्टर में आपके होल्स होते हैं। जैसे ही वाटर के अंदर नमक डाल दोगे तो आयंस की अमाउंट क्या होगी, बढ़ गई, आयंस की अमाउंट जैसे बढ़ेगी तो जो आपका वोल्टामीटर है या आपका एमीटर हो उसके अंदर फ्लक्चुएशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयंस के अमाउंट बढ़ने के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि आयंस जो हैं वो आपके चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो इसमें क्या लिख दोगे बेटा, इसमें लिखो
इतनी तो बात आपने लिख दी होगी कि आयंस आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज आयंस। ठीक है ना, आयंस के कारण यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक कैरियर का काम करते हैं आपका, जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट ज़्यादा होती है। इन डायग्राम को उतार लो फटाफट, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके मेरे को बताना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।